जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, रोज़ाना की तरह हम आज फिर एक ऐसी लोकेशन लेके आए हैं जिसकी हकीकत बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही खौफनाक है। तो नाज़रीन, ये एक पुराना घर है जंगलात के अंदर। इधर एक फ़कत एक ही बुढ़िया रहती है अकेली। तो इस घर की हकीकत ये बताई गई है कि जो भी इधर इस जगह पे आके रहते हैं तो उनको वो रहने नहीं देते जिन्नात वगैरह। तो कोई चीज़ वो तामीर करते हैं तो उनको भी गिरा दिया जाता है। तो और लोगों ने हमें बताया कि रात के टाइम इधर चीख पुकार की आवाज़ें भी आती हैं। तो और वो जिन्नात वगैरह अपना जो है ना वजूद भी जाहिर करती हैं। इसकी हकीकत हम आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही भयानक और खौफनाक जगह है। इस जगह को आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि बहुत ही ख़तरनाक जगह है। चीज़ें बुरी तरह बिखरी हुई हैं। तो वो कोई चीज़ एक जगह पर रहने भी नहीं देते, जैसे ही बताया गया हमें। इस जगह पे एक कमरा है, उस कमरे के अंदर अब हम दाखिल होने की कोशिश करते हैं। तो वो इस जगह का मंजर आपको दिखाते हैं। मुख्तलिफ जगह पर हमें भी चीज़ें चमकती और यूँ नज़र डरावनी से दिखाई देती है, जैसे बिल्ली की आंखें चमकती हैं। इस तरह जिन्नात वगैरह हमें इधर से डराने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, इधर आप इसका व्यू देख सकते हैं, बहुत ही खौफनाक है। तो नाज़रीन, इधर आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अक्सर नाज़रीन, इधर हमें बताया गया है कि जिन्नात वगैरह बच्चों की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं और इतनी बुरी चीखों से दहाड़ते हैं कि जो भी इंसान सुनता है उनकी आवाज़ें तो वो खौफ से लरज जाते हैं। जी, ये आप देख सकते हैं, सारा मंज़र बुरी तरह गिराया गया है। जी, तो नाज़रीन इधर मुख्तलिफ जगह पे हमने कैमरे भी अपने लगाए हैं। तो किसी कैमरे के सामने जब कोई चीज़ आएगी तो वो उसको कैप्चर कर पाएगा। इससे हम अब ऊपर वाले हिस्से में जाते हैं तो उधर का मंजर देखते। ये सामने आप देख सकते हैं वाज़े तौर पर कि किसी चुड़ैल की शक्ल नज़र आ रही है हमें। बहुत डर लग रहा हमें इधर से। हमें जो है ना इधर से अब जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहिए। जी, तो नाज़रीन, देखा आपने, ये इस जगह पे जो है ना कोई बहुत या चुड़ैल वगैरह इधर जाहिर हुई थी। हमारे कैमरे ने उसे कैप्चर कर लिया। तो जो है ना इस जगह पे मज़ीद जो है ना इसके दूसरे हिस्से में जाते हैं और उस जगह की हकीकत देखते हैं। ये आप देख सकते हैं वाज़े तौर पर, इधर कोई चीज़ भी बनाई जाती है तो जिन्नात वगैरह उसे पूरा नहीं करने देते और उसे तोड़ देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक बावर्ची खाना बनाने की कोशिश की है इधर, तो जो है ना वो इन्होंने तोड़ दिया इसको और उसकी हर चीज़ जो है ना नीचे बखेर दी है। ईंटें वगैरह इधर बुरी तरह बिखरी हुई हैं, वो तामीर नहीं करने देते। और इधर के जो बनाने वाले, उन्होंने ये बताया हमें कि जब हम इधर से बना के जाते हैं ये कोई भी इस बिल्डिंग का हिस्सा, तो रात को हमें चीखो पुकार की आवाज़ें भी आती हैं और हमें जो है ना वो डराती हैं चीज़ें, तो हम सारी रात सो नहीं पाते। जी, तो नाज़रीन, अब हम इसके दूसरे हिस्से में जाते हैं और उस जगह पे देखते हैं, अपने दूसरे कैमरे को जाकर चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई व्यू आया कि नहीं। जी, ये सामने वाज़े तौर पर देखी जा सकती है, बहुत ही भयानक सी कोई चीज़ बैठी हुई है। तो जो है ना, जी आप कौन हो? क्यों आए हो यहाँ पर? हम आपको तंग नहीं करने आए, आप कौन हो? चले जाओ यहाँ से। चले तो हम जाएंगे, पर आप इतनी गर्मी में इधर क्या कर रहे हो? मैं कहती हूँ चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। जी जी जी, अस्तगफिरुल्लाह, बहुत ही खौफनाक मंजर है। तो जो है ना हमसे इधर देखा नहीं जाता, तो वो हमें भी ना डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी, हमें भी डराने की कोशिश की गई है और हमें ये बोला गया कि आप इधर से चले जाओ। ये आप देख सकते हैं,
बुरी तरह से हर चीज़ इधर उधर बिखरी पड़ी है, बहुत ही खौफनाक मंजर। तो अब हम इधर से नीचे वाले हिस्से में इसके जाते हैं और नीचे का मंजर देखते हैं। जी तो नाज़रीन, अब हम इसी बिल्डिंग के नीचे वाले हिस्से में जाते हैं और उधर का मंजर देखते हैं कि इसकी क्या हकीकत है। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं सामने वो कोई चीज़ चमकती हुई नज़र आ रही है, हमें वो डराने की कोशिश कर रही है। तो अल्लाह पाक हमारे साथ हैं, हम करीब से इसको जाके देखते हैं कि क्या चीज़ है। जी तो नाज़रीन, अब हम उसी चुबारे के उस घर के उस बिल्डिंग के नीचे वाले पोर्शन में आए हैं। ये आप देख सकते हैं वादे तौर पर मुख्तलिफ जगह पे हमें जो है ना चीज़ें चमकती हुई दिखाई गई हैं, जाहिर हो जाती हैं बार दफ़ा ताकि हम खौफ खा किधर से चले जाएं। तो अब हम इसके नीचे वाले बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में जा रहे हैं और इधर की हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। जी तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं इधर भी कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र आ रही है। हम आपसे पूछ रहे हैं आप कौन हो और इधर क्या कर रहे हैं? मेरी बात समझ नहीं आई। जी जी जी, हमें डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो है ना आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, आप इधर से चले जाओ। अब तुम लोग नहीं बचोगे, तुम लोग यहाँ के बहुत बड़ी गलती। जी जी, तो नाज़रीन अब हम इधर से निकलते हैं, हमें बोला जा रहा है कि आपने इधर से बहुत बड़ी गलती की और आप इधर से ज़िंदा बच के नहीं जा सकते। ये बहुत ही भयानक जगह है, ये आप देख सकते हैं हर चीज़ बुरे तरीके से बिखरी हुई है। जी तो नाज़रीन, इधर हम खौफ की वजह से हमें जितनी जल्दी हो सके हमें इधर से निकलना चाहिए।